हेलो फ्रेंड्स, मेरा नाम है मयंक रस्तोगी और आपका स्वागत है हमारे यूट्यूब चैनल में। तो फ्रेंड्स, आज लॉन्च हो चुका है वीवो का Y19, काफ़ी खास फ़ोन होने वाला है आप लोगों के लिए। तो देखते रहिए इस वीडियो पे और हम इस वीडियो में डिस्कस करने वाले हैं इसकी कैमरा परफॉर्मेंस, इसकी ओवरऑल स्पेसिफिकेशंस, किस तरीके की इसकी बैटरी बैकअप परफॉर्मेंस देने वाला है। तो वीडियो पे बने रहिए और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करके नोटिफिकेशन आइकन को जरूर प्रेस कर दीजिए, जिससे आने वाली लेटेस्ट वीडियोज़ की अपडेट आप तक सबसे पहले पहुँचते रहे। चलिए वीडियो को स्टार्ट करते हैं। फ्रेंड्स, आज लॉन्च हो चुका है वीवो का Y19, बट अभी ये इंडिया में नहीं लॉन्च हुआ है, बहुत ही जल्द ये इंडिया में लॉन्च होने वाला है और बहुत ही अच्छा फ़ोन होने वाला है। तो देखते हैं इसकी ओवरऑल स्पेसिफिकेशन। इसमें जो आपको एंड्रॉयड वर्जन मिलने वाला है वो 9.0 लेटेस्ट एंड्रॉयड वर्जन पाई मिलने वाला है। तो इसमें आपको लेटेस्ट एंड्रॉयड वर्जन का एक्सपीरियंस होने वाला है, काफ़ी खास फ़ोन आप लोगों के लिए ये होने वाला है। और इसमें जो डिस्प्ले दी गई है वो 6.53 इंचेस की फुल HD प्लस रेजोल्यूशन सपोर्ट करने वाली डिस्प्ले दी गई है। और इसमें कॉर्निंग गोरिल्ला ग्लास 5 की प्रोटेक्शन दी जा रही है, तो काफ़ी खास आप लोगों के लिए होने वाला है। और इसकी जो डिस्प्ले की रेजोल्यूशन है बहुत ही अच्छी है इसमें, जिससे क्या रहेगा, गेमिंग में आप अल्ट्रा HD गेमिंग कर सकते हैं और क्रिस्टल क्लियर वीडियोस का लुफ्त उठा सकते हैं। तो बहुत ही अच्छी इसकी डिस्प्ले होने वाली। और इसमें जो कैमरा दिया गया है वो ट्रिपल सेटअप दिया गया है। मेन प्राइमरी सेंसर जो दिया गया है इसमें 16 मेगापिक्सल का दिया गया है, और जो 8 मेगापिक्सल का नेक्स्ट सेंसर दिया गया है, जिससे आप अल्ट्रा वाइड शॉट्स ले सकते हैं 170 डिग्री तक की। तो काफ़ी आप अल्ट्रा वाइड शॉट्स इससे ले सकते हैं। और 2 मेगापिक्सल का मैक्रो सेंसर दिया गया है, जिससे आप छोटी से छोटी बारीक चीज़ों की पिक्चर कैप्चर कर सकते हैं बहुत ही नज़दीक से। तो बहुत ही ओवरऑल स्पेसिफिकेशंस में अगर कैमरे की बात करते हैं तो बहुत ही लाजवाब इसका कैमरा दिया जा रहा है। और इसमें जो बैटरी बैकअप आपको मिल रहा है वो 5000 mAh की लार्ज बैटरी दी जा रही है, तो काफ़ी अच्छा पावर बैकअप आपको इसमें मिलने वाला है। तो लगभग आप बात करते हैं तो फ़ोन जो आपका 2 दिन आराम से चल जाएगा, अगर गेमिंग वगैरह बहुत ज़्यादा नहीं करते हैं, नॉर्मल यूज़ पे आप 2 दिन इस फ़ोन को यूज़ कर सकते हैं। और इसमें प्रोसेसर जो दिया गया है वो मीडियाटेक का हीलियो P65 ऑक्टा कोर पे काम करने वाला प्रोसेसर दिया गया, तो बहुत ही अच्छा प्रोसेसर आपको फ़ोन में मिल रहा है, जिससे आप हाई परफॉर्मेंस गेमिंग कर सकते हैं और बिल्कुल गेमिंग में ये फ़ोन लैग नहीं होने वाला है। तो बहुत ही अच्छी इसकी परफॉर्मेंस गेमिंग में होने वाली है। और इसमें जो स्टोरेज दी जा रही है वो 6 GB रैम पे दी जा रही है, जिसकी स्टोरेज रहेगी 128 GB, तो काफ़ी लार्ज आपको स्टोरेज भी मिल रही है। प्लस इसमें डेडिकेटेड मेमोरी स्लॉट भी दिया जा रहा है, जिससे आप अपने फ़ोन की स्टोरेज को 512 GB तक एक्सटेंड कर सकते हैं, तो बहुत ही ज़्यादा स्टोरेज को आप बढ़ा सकते हैं। और इसमें बैक में फिंगरप्रिंट सेंसर दिया गया है और फेस अनलॉक का भी सिक्योरिटी फीचर दिया गया, तो दो आपको सिक्योरिटी फीचर मिल जाते हैं, एक फिंगरप्रिंट और दूसरा आपका फेस अनलॉक। तो ये ओवरऑल स्पेसिफिकेशंस हैं इस फ़ोन की। तो बताइएगा कि ये फ़ोन आपको कैसा लगा, और इससे रिलेटेड आपको कोई क्वेश्चन है तो आप मुझे कमेंट्स कर सकते हैं। और वीडियो पे बने रहिए और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करके नोटिफिकेशन आइकन को जरूर प्रेस कर दीजिए, जिससे आने वाली लेटेस्ट वीडियोज़ की अपडेट आप तक सबसे पहले पहुँचती रहे। थैंक यू।